भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर लेकर मनाया जीत का जश्न। विदिशा जिले की गंजा बसौदा में 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी की बढ़त हासिल होने के बाद देश में जगह जगह जश्न का माहौल है। इसी क्रम में आज विदिशा जिले के गंजबा सौदा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय जय स्तंभ चौक पर एकत्रित होकर बीजेपी सरकार की वापसी का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ नगर में विजय जुलूस भी निकाला, जिसमें कार्यकर्ता झूमते नाचते गाते देखे गए। बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लिए हुए थे, जिन पर लिखा हुआ था यूपी में काबा, यूपी में बाबा, तो कहीं लिखा था बुलडोजर वाले बाबा। कार्यकर्ता बड़ी जोश एवं उत्साह में दिखाई दिए। जब राजनीति न्यूज इंडिया की टीम ने भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन से पूछा तो उन्होंने बताया कि यूपी में डबल इंजन की सरकार आ गई है। लोगों ने सुशासन एवं सबका साथ सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए वोट दिए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और यह सरकार सबके भले का काम करेगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ा खुशी का माहौल है। जो देश का प्रमुख राज्य है वो उसमें हम विजय की ओर आगे बढ़ गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक सफलता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में जो मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत प्रदेश बनेगा और विकास में भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक प्रश्न हो रहा है, आपके यहाँ कार्यकर्ता लोग बुलडोजर या जेसीबी मशीन के साथ देखे जा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य? बुलडोजर निश्चित ही बुलडोजर यूपी में चला है और बुलडोजर उन लोगों ऊपर चलेगा जो अनैतिक कार्य में लिप्त रहते हैं, उनको ऊपर बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। और जनता ने बुलडोजर को समर्थन दिया है। डबल इंजन की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में विकास की ओर आगे बढ़ रही है। हमारे साथ थे जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जी जादौन, बता रहे थे भारतीय जनता